गाइस इट्स अ वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल इफ यू न्यू टू माय चैनल हाय माय नेम इज सोनाली एंड आई क्रिएट कंटेंट ऑन ब्यूटी फैशन एंड लाइफस्टाइल सो इफ यू एंजॉय वाचिंग हॉल्स व्लॉग्स एंड मेकअप रिलेटेड कंटेंट दिस इज द फेस एंड दिस इज द चैनल फॉर यू सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो अहेड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो एंड ऑल्सो लाइक शेयर कमेंट ऑन ऑल ऑफ माय वीडियोस एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो सो गाइस टुडेज वीडियो इज गोना बी अ व्लॉग डे इन माई लाइफ सॉर्ट ऑफ अ व्लॉग मैंने मेरे घर में पूजा भी है इसलिए भी मैं फिल्म कर रही हूँ सो दैट मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि क्या पूजा हो रहा है क्या मैंने आउटफिट पहना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी बट फर्स्ट हम थोड़ा तैयार हो जाते हैं सब ऑलरेडी लाइक बॉडी लोशन वगैरह मॉइस्चराइज़र वगैरह अप्लाई कर लिया है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कौन सा बॉडी लोशन और मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया है सो गाइस जो मॉइस्चराइज़र मैंने अप्लाई किया है वो है ये है लोटस का रेजुविना हर्ब कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव लोशन ये अपने फेस पर लगाया है और फिर बॉडी लोशन में मैंने ये वैसलीन का लोशन लगाया डीप मॉइस्चर बॉडी लोशन ड्राई स्किन 600 ml का ये है सो ये मैंने लगाया है एंड अब मैं थोड़ा सा ब्लश वगैरह लगाती हूँ थोड़ा लाइक प्रेजेंटेबल बन जाती हूँ सो गाइज मेकअप मैं ज़्यादा नहीं करने वाली क्योंकि घर पे ही पूजा हो रहा है सो फाउंडेशन की जगह मैं उसको रिप्लेस इससे करने वाली हूँ दिस इज़ हिमालय नेचुरल ग्लो केसर फेस क्रीम पहले मुझे लगा था ये बीबी क्रीम जैसे होगा सो आई आस्क माय मॉम नॉट टू यूज़ इट बट फिर कल मैंने मम्मी ने बोला एक बार ट्राई तो करके देख ले अच्छा है सो आई ट्राइड इट एंड आई रियली लाइक्ड इट सो ये थोड़ा आपको ग्लो दे देता है ऐसा दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक यू कैन सी एंड इसको हम फिंगर्स के बीच में वार्म अप करके आई जस्ट अप्लाई इट ऑल ओवर माई फेस सो गाइज मैंने इसको अप्लाई कर लिया ना आपको दिख रहा होगा लाइक नोज़ के ऊपर और फेस में कि थोड़ा थोड़ा ग्लो आ गया है मैं आपको पास से दिखा देती हूँ एक मिनट अगर आपको नहीं भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर मेरा मिरर है लेट मी शो यू यहाँ पर मेरा मिरर है इसमें मुझे बिल्कुल दिख रहा है कि मेरे फेस पर थोड़ा बहुत ग्लो आ गया है उसके बाद मैं ब्लश लगाने वाली हूँ दिस ब्लश इज फ्रॉम शुगर ये ब्लश मुझे बहुत ही पसंद है मैंने रिसेंटली इसको खरीदा है एंड आई लव दिस ब्लश दिस इज़ द शुगर कॉन्टोर द फोर्स मिनी ब्लश इन द शेड 05 कोरल क्लाइमैक्स दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक सो थोड़ा मैं लेके टैप करूँगी जस्ट टू गिव माई फेस दैट अपलिफ्टेड लुक सो गाइज ब्लश मैंने अप्लाई कर लिया है थोड़ा सा चीक्स पे एंड देन थोड़ा नोज़ पे एंड आई एम गोना यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइटर थोड़ा सा हाईलाइटर सो फॉर हाईलाइटर आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी बेक्ड ब्लशर एंड हाईलाइटर जस्ट गोना यूज़ माई फिंगर्स एंड स्वर्ल देम अराउंड बोथ ऑफ दिस हाईलाइटर्स थोड़ा बहुत आ गया है एंड देन आई एम गोना प्लेस इट ओवर हियर थोड़ा यू गुड टू गो सो ये था मेरा छोटू सा है एंड देन आई एम गोना यूज़ माई काजल जिससे मेरे आईज थोड़े ब्रॉड दिखेंगे देखो इंस्टेंटली आपके आईज कितने फ्लैटरिंग लगने लग गए हैं लाइक जस्ट लुक एट द बिफोर एंड आफ्टर आई रियली लव हाउ काजल मेक्स योर आईज लुक एंड देन ये लिप लाइनर है दिस इज़ फ्रॉम द कंपनी वेट एंड वाइल्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग या दिस इज़ वेट एंड वाइल्ड लिप लाइनर क्रेयॉन इन द शेड 0E666 ब्रांडी वाइन दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ अ मरूनिश काइंड ऑफ शेड दिस आई एम नॉट गोना Use any lipstick. So, इसी से मैं इसका थोड़ा ऐसे कलर करने की कोशिश करूँगी I'm doing a very bad job at it. But, you see, lip liner से मैंने कलर कर दिया थोड़े अपने लिप्स को एंड देन द लास्ट प्रोडक्ट इज दिस इज द एल्फ का लिप लैक्वर दिस इज द एल्फ का लिप लैक्वर इट इज़ इन द शेड मॉव ग्लिट्स एंड आई एम गोना यूज दिस on my lips so you see कितना अच्छा हो गया इट्स अ 5 मिनट नो मेकअप लुक हेयर्स को ड्राई वगैरह करती हूँ एंड देन आई विल मीट यू गाइज एंड शो यू गाइज माई OOTD सो गाइज मेरे हेयर्स ड्राई हो रहे हैं अपने ओन स्पेस में आई एम नॉट यूजिंग एनी ड्रायर और समथिंग लाइक दैट बट अभी मैंने सोचा कि मैं अपना नेकलेस वगैरह चूज़ करूँ और देखूँ कि मैं क्या पहनूंगी माई 20 पीसेज राइट ओवर हियर आई एम थिंकिंग कि इसमें से कुछ पहनूँ सो लेट मी सी क्या पहनती हूँ मैं इसमें से आई थिंक आई गो विद द इन्फिनिटी नेकलेस क्योंकि वो सबके साथ चला जाता है दिस इज द नेकलेस एंड दिस इज टैंगल्ड सो लेट मी डिटैंगल इट एंड फिर हम मिलते हैं सो गाइस सक्सेसफुली डिटैंगल कर दिया मैंने ये इन्फिनिटी नेकलेस एंड आई वॉज सो कीन ऑन वेयरिंग दिस टुडे क्योंकि मुझे यही पहनना था आज सो आई विल वेयर इट
Guys, I've worn the necklace. ये रहा infinity pendant. ऐसा लगता है कुछ मेरे ऊपर. And I have my earrings, ear huggies. And now let's go and show you guys my outfit of the day. And then show you the puja preparation. So let's go. So guys, this is what I'm wearing today. I'm wearing this very pretty embroidered sharara set. I was gonna say patiala, but this is a sharara set. So this is very pretty. It's very pretty pink color का embroidery किया हुआ है, and then this has buttons, and then this is the sharara. ये दोनों actually अलग अलग है. This is from a patiala set, and this is a gift from one of my masis. So I'm wearing this together because ये साथ में ज़्यादा प्यारे लगते हैं. So I'm wearing this, and now let's go and show you guys the preparations of puja. This is what the puja preparation looks like. यहाँ से शुरू होता है and it goes all the way round वहाँ तक. यहाँ पर भगवान को बिठाएंगे and everything is over here. So my sister will show you guys what is what. Because it's a सत्यनारायण पूजा, so यहाँ पर सिन्नी बनाने के लिए हमें बताशा, किशमिश, काजू और चीनी एंड आटा चाहिए. जो फूल तुलसी पाता और यहाँ पे है गेंदा फूल, और यहाँ पे है ऑल टाइप्स ऑफ फ्लावर्स जो भी लगेंगे. और ये है भुज्जी, जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं, जो पुरोहित को देना पड़ता है. यहाँ पे है आलू, ब्रिंजल, एक ऑयल और सब्जी मसाला, मूंग दाल, सॉल्ट एंड हल्दी. तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा कटा हुआ फल, 5 टाइप का या 3 टाइप का, एज़ यू विश. यहाँ पे है चीकू, एप्पल, कूल और प्यारा, और अमरूद, चीकू, एप्पल और कूल, एंड बनाना भी होगा जो वहाँ पे है. उसके बाद यहाँ पे 7 पान और 7 ऐसे सुपारी लगता है जो सत्यनारायण चढ़ाना पड़ता है, वो पुरोहित बोलेंगे. ये सब है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुरोहित को चाहिए, जैसे कि घी, मधु, फिर कपूर, एक प्रदीप, उसके बाद तिल, फिर सिंदूर, फिर ये सेंटेड ओबुरू जिसको बोलते हैं हम लोग बंगाली में, ये टॉवल. उसके बाद है यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट, एप्पल, चीकू, कूल, अमरूद और ऑरेंज. ये हम लोग काटेंगे नहीं, क्योंकि 5 टाइप्स ऑफ फ्रूट चढ़ाना पड़ता है, ऐसे ही. एज यूजुअल है धूप, दिया और शंख. वहाँ पर है चंदन, पिसा हुआ चंदन है, और ये है केला. यहाँ पर दूध और ये सब भी रखा हुआ है, क्योंकि ये भी चढ़ाना पड़ता है. यहाँ पर थोड़ा मोमबत्ती वगैरह भी रखा हुआ है. सब पूजा का ही प्रिपरेशन है यहाँ पर. सो गाइज, ये हम लोग का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन है, क्योंकि सिर्फ हम चारों ही होने वाले हैं पूजा में, तो इतना भी ज़्यादा मैसिव प्रिपरेशन नहीं है. आपको मिलती हूँ आधे एक घंटे बाद, जब पंडित जी आएंगे और जब पूजा फाइनली स्टार्ट होगा, तब मैं ब्लॉग करूँगी. तब तक के लिए बाय. It's a few days after the puja ceremony happened, and right now today we are going to watch Gangubai Kathiawadi. So yeah, I'm ready for all of that. This is how my makeup looks today. I feel like it looks pretty good, and I'll show you guys my outfit in a moment. So yeah, I'll catch you once I show you my outfit, and then we'll head up.
कुर्सी तो गई। रजिया को हराना और कोठे पे डोली लाना, सपने हैं दोनों नामुमकिन। अब जंग तूने छेड़ी दिए तो हो जा तैयार वार के लिए। Just came back home and I thought I'll show you some items that I got today. There is not a lot, but I got some things which was necessary and I wanted to get it anyway, so I thought I'll get them. My day was going good but ended mein bahut hi kharab ho gaya din because theater mein matlab seat mein baithte samay main gir gayi, so that was very embarrassing. Then I went to the shop, so main makeup shop mein gayi thi basically and I went there to pick some stuff up. But I swatched a few lipsticks because I just wanted to see if I want to buy anything. And मैंने white dress पहना था, I'll post a picture right over here if I can. And उसमें दाग लग गया red color के lipstick. When I went to another store, मेरा heel टूट गया and that was the day. It was pretty bad. I mean, like अगर मैं अभी छोटी बच्ची होती I would have cried my heart out. But I'll show you guys some things. So I got these things from this store called New You. I guess सभी के वहाँ पर होगा ये store New You. ये एक makeup shop है and you can buy makeup from here. So I got my stuff from here. So let me just show you. So the first thing that I got is right over here. This is you know वो manicure pedicure का शायद brush है and this is what it looks like. It is by the company Vega. And this retailed for ₹225 and it costed me ₹225. The name of this is pedicure tool. And the next thing I got is this very pretty loofah. This is also by the company Vega. यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, एक मिनट, focus. This is by the company Vega and this is in the color red. This is a loofah. I wanted a loofah for my bathroom and this is for ₹120. Details for ₹120. Iska generic name hai bath sponge and this is the second thing that I got. Then the last thing that I got over here is a nail polish remover. This is by the company Colorbar. Colorbar company ka mujhe kafi cheez pasand hai and this retails for ₹75. And yeah, this is the last thing that I got. And yeah, that is it for this vlog. Yeah, that is it for this vlog. So if you enjoyed the vlog, then make sure to like, comment and subscribe to my channel. Also hit the bell notification so that you get notified every time I post a new video. And I'll meet you guys in my next video. Tab tak ke liye bye. I'll meet you guys in my next video.